स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने नोटिस भेज दिया है। उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। आपको बता दें, रिलायंस इंश्योरेंस मामले में सत्यपाल मलिक से पूछताछ होगी। ये वही सत्यपाल मलिक हैं जो कि मेघालय के भी राज्यपाल रहे हैं और अब लगातार रिटायर होने के बाद मोदी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन सीबीआई का ये नोटिस मिलने के बाद सत्यपाल मलिक ने ये कहा है कि सीबीआई कुछ स्पष्टीकरण चाहती है, इसलिए मुझे बुलाया गया है। तो एक तरफ सत्यपाल मलिक को सीबीआई का नोटिस मिला है और दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां अब सत्यपाल मलिक की तारीफ में कसीदे पढ़ रही हैं और सरकार को घेर रही हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से लेकर अब कांग्रेस पार्टी की ओर से ट्वीट किए गए हैं, जहां संजय सिंह ने यह लिखा है कि मोदी के भ्रष्टाचार का सच उजागर करने की सजा सत्यपाल मलिक को मिल रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को जो सीबीआई का नोटिस मिला है उसकी करेंगे। दरअसल रिलायंस इंश्योरेंस मामले में उनसे ये पूछताछ होगी और इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार जो हुआ है, दरअसल कुछ चीजों पर स्पष्टीकरण सीबीआई उनसे चाहती है, जिसके चलते उन्हें नोटिस भेजा गया है और ये जानकारी सत्यपाल मलिक की ओर से ही दी गई है। उन्होंने ये बताया है कि मौखिक तौर पर 27 और 28 अप्रैल को मेरी सुविधा अनुसार पेश होने के लिए सीबीआई ने उन्हें कहा है। हालांकि अभी तक सीबीआई ने सत्यपाल मलिक के इस दावे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हाँ इतनी खबर जरूर है कि सीबीआई उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ करना चाहती है। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में सीबीआई ने रिलायंस इंश्योरेंस केस में पूछताछ के लिए सत्यपाल मलिक को बुलाया था। यानी ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्हें नोटिस मिला है, इससे पहले भी उनसे पूछताछ हुई है। आपको ये बता दें कि ऐसा पहला मौका नहीं है जब सीबीआई ने सत्यपाल मलिक को नोटिस भेजा है। आपको बता दें, पिछले साल अक्टूबर में भी सीबीआई ने रिलायंस इंश्योरेंस केस में पूछताछ के लिए सत्यपाल मलिक को बुलाया था। पूरा मामला क्या है ये मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ। दरअसल इस पूरे मामले को अगर ध्यान से देखा जाए तो सत्यपाल मलिक को 2018 में बतौर राज्यपाल जम्मू कश्मीर भेजा गया था। मलिक के कार्यकाल में ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया था। इसके बाद उन्हें बतौर राज्यपाल मेघालय भेज दिया गया था, लेकिन इस बीच उन्होंने ये दावा किया था कि उन्हें 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि कश्मीर जाने के बाद उनके पास मंजूरी के लिए दो फाइलें आई थी, इनमें से एक फाइल अंबानी की और दूसरी आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति की थी। ये तमाम बातें दरअसल जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे हैं सत्यपाल मलिक, उनकी तरफ से ही कही गई हैं। जो पिछली महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री थे और नरेंद्र मोदी के बहुत करीब होने का दावा करते थे। मलिक ने यह भी कहा था कि मुझे दोनों विभागों के सचिवों द्वारा सूचित किया गया था कि ये एक घोटाला है और मैंने उनके अनुरूप ही दोनों डील्स को रद्द कर दिया था। मलिक ने यह भी बताया था कि सचिवों ने उनसे कहा था कि आपको हर फाइल को पास करने के लिए 150 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये दावा सत्यपाल मलिक की ओर से किया गया। अब इस पूरे मामले में सीबीआई छानबीन कर रही है। रिलायंस इंश्योरेंस से जुड़ा ये पूरा मामला है जिसमें अब उनसे पूछताछ होनी है और सत्यपाल मलिक जिस तरीके से लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वो सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं, आपको ये बता दें कि मेघालय के वो राज्यपाल थे, वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी इच्छा ये थी कि उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए, यानी उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी सरकार में दी जाए। लेकिन जिस तरीके से लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी का दौर जारी था, फिर चाहे वो बात किसान आंदोलन को लेकर हो या देश के हर मुद्दे पर सरकार को घेरना,
उनका एकमात्र लक्ष्य और एकमात्र मकसद बन चुका था। तो आपको बता दें, हाल ही में पुलवामा आतंकी हमले को लेकर भी सत्यपाल मलिक ने एक ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि मैं उस समय जम्मू कश्मीर का गवर्नर था जब 2019 में पुलवामा हुआ। सभी जानते हैं कि ये हमला गृह मंत्रालय की लापरवाही और अक्षमता से हुआ। पीएम मोदी ने मुझे गृह मंत्रालय की गलती पर चुप रहने को कहा। ये सत्यपाल मलिक का बयान था। सवाल उनकी मंशा पर इसलिए भी उठ रहे हैं कि अगर सत्यपाल मलिक इतने ही पाक साफ हैं तो उन्होंने इस बात का जिक्र पहले क्यों नहीं किया। अगर वो इतने ही दरअसल ये चाहते हैं कि शहीदों को इंसाफ मिले, अगर ये सब कुछ उनके साथ हुआ है तो फिर उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला। ये तमाम सवाल है जो कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो सीबीआई का नोटिस सत्यपाल मलिक को मिला, मामले को लेकर अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने सत्यपाल मलिक को सीबीआई का जो नोटिस मिला है उसको लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। जो ट्वीट किया क्या है उसमें लिखा है कि सत्यपाल मलिक ने देश के सामने उनकी कलाई खोल दी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और अब सीपीआई ने मलिक जी को बुलाया है, ये तो होना ही था। ये कांग्रेस पार्टी का ट्वीट है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ओर से भी ट्वीट किया गया और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि सत्यपाल मलिक जी को मोदी के भ्रष्टाचार का सच उजागर करने की सजा मिल रही है। सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में मोदी सरकार डूबी हुई है। ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद का ट्वीट है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से सत्यपाल मलिक बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लगातार कहीं ना कहीं किसानों को लेकर, फिर चाहे सरकार को लेकर अलग अलग मुद्दों पर घेर रहे हैं और एक विपक्ष की भूमिका बना रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो भ्रष्टाचार का मामला है, जो घोटाले का आरोप उन पर लगा है, जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में अब सीबीआई सत्यपाल मलिक से पूछताछ करेगी। आपको ये बता दें कि 27 और 28 जो अप्रैल की तारीख जो है पेश होने के लिए कही गई है, तो देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में सत्यपाल मलिक के लिए कितनी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ती हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।